Hello everyone, welcome to the 8th tutorial of Python Pandas series. Today we are going to learn about data frames. Data frames are basically data structures in Python Pandas and they are two dimensional data structure. जैसा भी हमने series पढ़ा था, तो series के जो elements होते हैं, they are arranged in single dimension. तो वहाँ पर जो data arrange होता है, वो single dimension के form में arrange होता था. अगर यही dimension जो है, वो multi dimension के form में हो जाता है. Means if I am having number of rows with me and number of columns with me, तो ये जो data arrange होकर आपके सामने आता है, it is in tabular form. और इसी को हम refer करते हैं data frame से. So this particular image is referred as data frame in case of Python pandas, जहाँ पर आपके पास rows भी होते हैं, columns भी होते हैं, और यहाँ पर दो axes होती हैं basically. The first axis is considered as index axis, and the second axis is considered as columns axis. तो इसमें से इंडेक्सिंग जो रहेगी वो कौन सी रहेगी और कॉलम एक्सिस कौन सी रहेगी देख लेते हैं. तो ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स एक्सिस, दिस इज कंसीडर्ड एज इंडेक्स एक्सिस. और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ना, ये वाली जो एक्सिस रहती है जहाँ पर आपको ये तीन कॉलम मिल रहे हैं, द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन, ये जो कॉलम्स आपको यहाँ पे ये मिल रहे हैं, ये जो एक्सिस कहलाती है, दिस एक्सिस इज कंसीडर्ड एज कॉलम एक्सिस, नॉट कॉलम, बेसिकली इट इज कॉलम्स एक्सिस. नाम ही उसका है कॉलम्स एक्सिस, इट इज अ की वर्ड इन पांडास. सो इंडेक्स एंड कॉलम एक्सिस, वी हैव टू एक्सिस विद डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम की एक खासियत होती है, इसकी वैल्यू तो म्यूटेबल होती ही होती है, इट साइज इज ऑल्सो म्यूटेबल, एंड दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम. सीरीज जो रहती है उसका साइज जो रहता है वो इम्यूटेबल रहता है, इट इज ऑनली वैल्यू म्यूटेबल. वेयर इज जब हम बात करते हैं डेटा फ्रेम की, तो इसमें साइज एंड वैल्यू दोनों म्यूटेबल होते हैं. सेकेंड डिफरेंस सीरीज और डेटा फ्रेम, इट वॉज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, इट इज टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. देन ये मैं बता ही चुकी हैं आपको, इसके पास दो एक्सेस होती है, वन इज इंडेक्स एक्सेस एंड सेकेंड वन इज कॉलम एक्सेस. देन यहाँ पर एक और स्पेशलिटी रहती है, डिफरेंट कॉलम्स कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स. मतलब इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस फर्स्ट कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम आई एम हैविंग, आई कैन हैव इट्स डेटा टाइप एज int. आई एम हैविंग दिस सेकेंड डेटा कॉलम ओवर हियर, और मैं इसके अंदर फ्लोट डेटा टाइप स्टोर कर सकती हूँ. और जो मेरा तीसरा कॉलम है इसके अंदर मैं जाकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकती हूँ. तो मेरे पास तीन कॉलम हैं और तीनों में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकती हूँ. तो दैट कैन हैपन इन केस ऑफ डेटा फ्रेम्स. फिर यहाँ पर एक और स्पेशलिटी है, ईच कॉलम हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये कॉलम लिया है यहाँ पर, दिस इज माई कॉलम, और इस कॉलम के अंदर पहला जो सेल मेरा बन रहा है इसमें जाकर मैंने इंटीजर वैल्यू असाइन कर दिया. सेकंड वाले कॉलम में जाकर मैंने यहाँ पर फ्लोट ले लिया, और सपोज आई वांट टू कीप अ स्ट्रिंग ओवर हियर, तो मैंने यहाँ पे str ले लिया. सो सच टाइप्स ऑफ थिंग्स आल्सो सपोर्टेड इन डेटा फ्रेम. जबकि आपको अगर सीरीज याद हो, तो सीरीज के अंदर जो डेटा होता था दैट वॉज होमोजीनियस इन नेचर. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं जो डिफरेंस बिटवीन डेटा फ्रेम एंड सीरीज आपको बताते हैं. अब हम बात करते हैं कि डेटा फ्रेम को हम बनाएंगे कैसे. तो अगर आप प्रैक्टिकली डेटा फ्रेम को क्रिएट करना चाहते हैं, तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का जो सिंटेक्स हमारे पास होता है वो कुछ इस तरह का है. इसमें हमारे पास जो डेटा फ्रेम का कंस्ट्रक्टर होता है, इट कैन हैव 5 आर्ग्यूमेंट्स विथ इट, और मिनिमम आर्ग्यूमेंट जो रहते हैं आप इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी ये वर्क करता है. तो इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम, यू कैन क्रिएट विथ इट. अदरवाइज इसके सिंटेक्स में जो वैल्यूज आती हैं, दैट इज यहाँ पर पहला जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज डेटा फ्रेम, सेकेंड इज इंडेक्स, थर्ड वन इज कॉलम, फोर्थ वन इज टाइप, एंड फिफ्थ वन इज कॉपी. एंड ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आर ऑप्शनल. इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स ओवर हियर, देन ऑल्सो योर डेटा फ्रेम विल गेट क्रिएटेड. तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको पाइथन आईडीएली पे बता देती हूँ. दिस इज माई पाइथन आईडीएली, इस फाइल को मैं ऑलरेडी सेव कर चुकी हूँ. सो आई एम गोइंग टू राइट माई प्रोग्राम ओवर हियर. मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट पांडास एज पी डेटा फ्रेम क्लास. डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट जो है दैट इज द पार्ट ऑफ पांडास लाइब्रेरी, एंड दैट्स व्हाई वी हैव इम्पोर्टेड पांडास लाइब्रेरी. और यहाँ पर मैं आपको एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करके बता रही हूँ. मैंने यहाँ पे df करके एक वेरिएबल ले लिया है. देन आई एम राइटिंग पी डॉट डाटा फ्रेम. डाटा फ्रेम इज अ फंक्शन, इट इज अ कंस्ट्रक्टर बेसिकली. उसके पीछे मैंने ब्रैकेट्स एम्प्टी डाल दिए हैं. मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि इवन इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम, वो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि यस इट इज अ डेटा फ्रेम. सो इट इज अ डेटा फ्रेम, एम्प्टी डेटा फ्रेम. और यहाँ पर जाकर हम इस डेटा फ्रेम की वैल्यू को
स्क्रीन पर प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मैंने इसके लिए प्रिंट df लिखा हुआ है। यहाँ पर डेटा फ्रेम का डी कैपिटल आएगा, फ्रेम का एफ कैपिटल आएगा। डाटा फ्रेम में डाटा का डी कैपिटल आएगा और फ्रेम का एफ कैपिटल आएगा। इस फाइल को मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है। आई प्रेस F5 की ओवर है और आपको यहाँ पर इसका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगा। सो हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज अ डेटा फ्रेम। एक तो ये डेटा फ्रेम का मैसेज दे रहा है, एम्प्टी डेटा फ्रेम। देन इट इज प्रिंटिंग इट्स बोथ द एक्सेस, एम्प्टी एक्सेस है, दोनों कॉलम्स भी जो है खाली पड़ा है और इंडेक्स भी खाली है, और ये दोनों को प्रिंट कर रहा है। अगर सीरीज होता तो वो सिर्फ रो जो है इंडेक्स प्रिंट करता है, कॉलम्स प्रिंट नहीं करता है। तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इवन इफ इट इज एन एम्प्टी डेटा फ्रेम इट इज डिस्प्लेड। ओके, सो आज की ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे दैट इन हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट डाटा फ्रेम्स इन पांडास। थैंक यू।